Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. Hello everyone, today we are going to study Henry Fayol's Administrative Theory of Management. Who was Henry Fayol and about the 14 principles of administrative management given by Henry Fayol. So last तक ये video देखिए ताको आपको understanding में easy जाएगा about the 14 principles of management. First of all, we'll learn who was Henry Fayol. Now Henry Fayol was a French mining engineer who was turned a leading industrialist and a successful manager. He started his career as a mining engineer in a French mining company. उसने अपना career start किया था एक engineer से French mining engineering company से और उसका position क्या थी वहाँ पे उसका designation क्या था chief managing डायरेक्टर. उसने कितने प्रिंसिपल्स लिखे. हेनरी फेल हैज रिटन अ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन. उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए. ऑब्जर्वेशन से उसने 14 प्रिंसिपल फेयोल ने प्रपोज किए. ही हैज रिटन अ फेमस बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन. वहां पे उसने 14 प्रिंसिपल को फेमस बुक में पब्लिश किया. ड्यू टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरल थॉट ही इज कॉल्ड एज व्हाट फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. उसको कौन बोलते हैं फादर मॉडर्न मैनेजमेंट का. वो फादर बन गया बिकॉज ही हैज गिवन अ स्पेशलाइज्ड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन हिज बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन. उसकी फेमस हो गई थी बुक जनरल इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ही हैज प्रपोज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. और उसने वो एक्सप्लेन किया उसकी बुक में. तो हेनरी फेयोल हैज गिवन हाउ मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. यही 14 प्रिंसिपल्स एक मैनेजर के लिए गाइडलाइंस देते हैं हाउ टू सॉल्व द डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट सिचुएशंस. सो वी विल स्टडी वन बाय वन 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फेयोल. सो लेट्स स्टार्ट विद प्रिंसिपल नंबर वन. देर आर 14 प्रिंसिपल यू कैन चेक. सो डायग्राम इज देर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल. 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. डिविजन ऑफ वर्क अथॉरिटी. प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. Principle of discipline, principle of unity of command, principle of unity of direction, principle of subordination or individual interest to organizational interest, principle of centralization, principle of remuneration, principle of scalar chain, principle of order, principle of equity, principle of stability of tenure, principle of initiative, and esprit de corps, that is team spirit. Esprit de corps means team spirit. So first is principle of division of work. सो वॉट इज प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क. फेयोल सेज दैट हमारे जो काम होते हैं हमें उसको डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू अवर स्किल, अकॉर्डिंग टू अवर कैपेबिलिटी एंड अकॉर्डिंग टू अवर क्वालिटी. अगर हमने काम को डिवाइड किया तो ऑटोमेटिकली द वर्क विल बी डिवाइडेड. वर्क विल बी कम्प्लीटेड इन प्रॉपर टाइम एंड बाय कंटिन्यूस डूइंग ऑफ दैट वर्क हम लोग उसमें क्या हो जाएंगे स्पेशलाइजेशन हो जाएगा. बिकॉज डिविजन ऑफ वर्क से हमें स्पेशलाइज हो जाते हैं हम. सो पहला प्रिंसिपल ऑफ फेयोल है प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क. तो ये प्रिंसिपल क्या बोलते हैं हमें डिवाइड द वर्क अकॉर्डिंग टू डिफरेंट काइंड सच एज टेक्निकल फाइनेंशियल कमर्शियल सिक्योरिटी अकाउंटिंग एंड मैनेजरल. योर वर्क को डिवाइड कैसे करना है अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय. जिससे क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा इफिशियंसी इंक्रीज होगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा. और उससे ऑटोमेटिकली वर्क डिवाइड करने से ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्रिएट होगा स्पेशलाइजेशन जिससे प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है हो सकती है प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है बिकॉज ऑफ डिविजन ऑफ वर्क. सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. वट इज द मीनिंग ऑफ दैट फर्स्ट वील अंडरस्टैंड. अथॉरिटी क्या होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है. अथॉरिटी मीन्स जो अथॉरिटी होती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो लोअर लेवल के पास होती है. अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप लेवल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बिटवीन द मिडल एंड लोअर लेवल. सो अथॉरिटी मीन्स वॉट राइट टू टेक डिसीजन. डिसीशंस लेने का हक किसको है. डिसीशंस लेने का है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को है. मतलब टॉप लेवल्स हैव अ राइट टू टेक द डिसीजन. सो इट इज नेसेसरी टू गेट थिंग्स डन अप्रोप्रिएट फ्रॉम सबऑर्डिनेट. अथॉरिटी ऑलवेज कम विद फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो मैनेजर इज गिवन विद द अथॉरिटी टू कम्प्लीट द टास्क विद इन अ गिवन टाइम. अगर मैनेजर को अथॉरिटी मिली है वो कोई काम करना है टाइम में ही शुड हैव रिस्पॉन्सिबल. उसकी जिम्मेदारी भी है उसे वो काम करना ही. इफ ही डज नॉट कम्प्लीट द वर्क इन गिवन टाइम अगर उसने वो काम नहीं किया टाइम में तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसने काम क्यों नहीं कम्प्लीट किया टाइम में. मतलब उसको क्या मिल सकता है पनिशमेंट.
The managers will have proper authority to take manager decision on its own in respect of the goal. So managers की authority होती है इसको right decision लेना है right time में. So there should be balance between authority and responsibility. ज़्यादा authority भी अच्छी नहीं है because कोई भी misuse कर सकता है. ज़्यादा responsibility भी अच्छी नहीं है. तो क्या होना चाहिए, there must be proper balance between authority and responsibility. प्रिंसिपल नंबर थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. डिसिप्लिन मीन्स अकॉर्डिंग टू फेयर डिसिप्लिन ऑल्सो मोस्ट असेंशियल थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो आप, डिसिप्लिन इज असेंशियल. विदाउट डिसिप्लिन नथिंग कैन बी अचीव. एवरी एम्प्लॉई एवरी वर्कर सुपीरियर सब ऑर्डिनेट मस्ट फॉलो डिसिप्लिन. अगर डिसिप्लिन होगा तो हम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव कर सकते हैं, हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा. क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर. तो बेसिक रूल्स रेगुलेशन के लिए हमें डिसिप्लिन बहुत जरूरी है और डिसिप्लिन सभी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में जरूरी है, टॉप लेवल, मिडल लेवल या लोअर लेवल. प्रिंसिपल नंबर फोर इज यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स व्हाट, जैसे हर एक एम्प्लॉय जो होता है उनको एक सुपीरियर दिए जाते हैं, तो एवरी एम्प्लॉय शुड हैव वन सुपीरियर. अगर हमें एक ही बॉस से गाइडेंस मिलेगा तो हमारा काम फटाफट हो जाएगा और कंफ्यूजन कम होगा. बट हमें दो तीन बॉस गाइड कर रहे हैं सो विल बी कंफ्यूज, हमें किसकी ऑर्डर पहले सुननी है. यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स वन रिसीव द ऑर्डर फॉर ओनली वन सुपीरियर. हमारे पास एक ही बॉस होना चाहिए. आप ये डायग्राम देख सकते हो, पहला राइट अप्रोच और दूसरा रॉन्ग अप्रोच. राइट अप्रोच में देखो एक सुपीरियर और तीन उसके सबऑर्डिनेट. रॉन्ग अप्रोच में दो सबऑर्डिनेट है और तीन, एक राइट अप्रोच है रॉन्ग अप्रोच. देखा आपने, राइट अप्रोच में एक सुपीरियर है और तीन सबऑर्डिनेट है और रॉन्ग अप्रोच में दो सुपीरियर और तीन सबऑर्डिनेट. मतलब पहला अप्रोच में राइट अप्रोच है और दूसरा अप्रोच रॉन्ग है. पहला अप्रोच में राइट क्यों है, बिकॉज एक ही बॉस गाइड कर रहा है पूरा और दूसरा अप्रोच में दो बॉस गाइड कर रहे हैं. सो सेकेंड सिचुएशन इज कंफ्यूजिंग सिचुएशन बिकॉज एम्प्लॉय विल गेट कंफ्यूज दैट हुज ऑर्डर वी शुड लिसन, हुज डिसीजंस वी ऑर टू लिसन, हुज वर्क वी ऑर टू डू द फर्स्ट. सो ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की शुड बी वेल डिफाइंड. ईच एम्प्लॉय शुड नो हिज इमीडिएट सुपीरियर एंड शुड रिसीव ऑर्डर ओनली फ्रॉम हिज ओन वन बॉस. सो देयर शुड बी ओनली वन सुपीरियर हु शुड गिव गाइडेंस रिगार्डिंग द एक्टिविटी. अदरवाइज क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा और डिस्प्यूट्स हो सकते हैं. फिर एक बॉस होगा तो कन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट सॉल्व हो सकते हैं. इसलिए पॉइंट नंबर फोर है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. प्रिंसिपल नंबर फाइव इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब वन हेड वन प्लान. मतलब हमें डायरेक्शन मिलना चाहिए. ईच ग्रुप, जो भी कोई ग्रुप में काम करते हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस एंड सुपरविजन के लिए एक डायरेक्शन होगा प्रॉपर, तो वो प्रॉपरली काम कर सकते हैं. उनको ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि उनको क्या करना है, व्हाट टू डू, और उनको रिलेटेड उसका गाइडेंस मिलना चाहिए. सो एवरी इंडिविजुअल मस्ट हैव प्रॉपर डायरेक्शन अलॉन्ग विद ग्रुप एक्टिविटी. ईच ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव सेम ऑब्जेक्टिव एंड ग्रुप शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर इन सिंगल. एक मैनेजर पूरा ग्रुप को गाइड करना चाहिए. सो पॉइंट नंबर फाइव इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. पॉइंट नंबर सिक्स इज प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट मेन नहीं है हमारे लिए. अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो खुद के बारे में मत सोचो, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचो. खुद का इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव मत देखना, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव देखना. इंडिविजुअल प्रॉफिट नहीं देखना, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट कैसा होगा वो देखना है. एक इंडिविजुअल के खुद के बारे में नहीं सोचना है, ग्रुप के बारे में सोचना है. सो इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेस इंपॉर्टेंस देन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी डिसीजन लेते समय अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो खाली इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना. अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखने का, ऑर्गेनाइजेशन से पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का. एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, पूरा ऑर्गेनाइजेशन. सो इन एवरी गेम द प्लेयर्स आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट विनिंग द मैच एज अ टीम रेदर देन इंडिविजुअल रिकॉर्ड. तो वैसे ही हमें ग्रुप में मिलजुल के काम करना है, नॉट अ इंडिविजुअल एक्टिविटी बट इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी एंड वी आर ऑफ लाइक अ फैमिली एंड वी हैव टू वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर अवर ओन पर्सनल बेनिफिट. पॉइंट नंबर सेवेंथ इज प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटी. किसी एक के हाथ में पावर या अथॉरिटी ज़्यादा लोगों के हाथ में नहीं है, कम लोगों के हाथ में पावर्स और अथॉरिटी होती है. इन हैंड्स ऑफ फ्यू इन सम ऑर्गेनाइजेशन दिस पावर इज वेस्टेड इन हैंड्स ऑफ फ्यू.
सो ये सारे सिचुएशन ऑकर इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, बट इफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल फॉलो कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सभी के हाथ में पावर्स हो गए, कोई भी इंडिविजुअली अपना डिसीजन ले सकता है। देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, अदरवाइज क्या होगा, मिसयूज भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन मस्ट बी बैलेंस। सो दिस कैन बी डन अकॉर्डिंग टू साइज एंड नेचर ऑफ एक्टिविटी। पॉइंट नंबर 8 इज प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मीन्स इनकम इन फॉर्म ऑफ सैलरी, वेजेस। सो एवरी एम्प्लॉयज और वर्कर मस्ट बी गिवन प्रॉपर रेम्यूनरेशन, बिकॉज अगर रेम्यूनरेशन फेयर होगा तो ऑटोमेटिकली दे विल वर्क हार्ड एंड दे विल बी रिलायबल टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, अदरवाइज दे विल नॉट वर्क एंड दे विल लिव अवर ऑर्गेनाइजेशन। सो रेम्यूनरेशन कौन से बेसिस पे फिक्स करना है हमें, अकॉर्डिंग टू द स्किल, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्टाइज, नॉलेज, टेन्योर, कॉस्ट ऑफ लिविंग, मार्केटिंग ट्रेंड, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे पॉइंट्स का कवर करके हमें रेम्यूनरेशन फिक्स करना है। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रेम्यूनरेशन ऑफ टू वर्कर्स विच हु आर हैविंग सेम स्किल, नॉलेज एंड क्वालिटी। सो रेम्यूनरेशन शुड बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी एंड रेम्यूनरेशन मस्ट बी फिक्स अकॉर्डिंग टू दिस फॉलोइंग पॉइंट्स। सो आफ्टर दैट पॉइंट नंबर 8 इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेंज। स्केलर चेंज जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जो हायरार्की जो हमारी फ्लो होती है टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक। आपको पता है कम्युनिकेशन चैनल जो होता है टॉप, मिडल, लोअर, और ऑपोजिट साइड जो अगर डाउनवर्ड साइड से देखा तो लोअर, मिडल एंड टॉप। सो यहाँ से कम्युनिकेशन मतलब इन्फॉर्मेशन फ्लो होता है फ्रॉम टॉप लेवल टू मिडल लेवल एंड मिडल लेवल टू लोअर लेवल। सो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन जो था वो लार्जर चेन होती है कम्युनिकेशन से, और वो टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है। जैसे एग्जांपल जनरल मैनेजर को फंक्शनल मैनेजर को कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगा तो ट्रांसफर करना पड़ता है। फंक्शनल मैनेजर पास इट टू सुपरवाइजर को भेजता है, सुपरवाइजर फिर वो फोरमैन को भेजता है, और फिर फोरमैन आगे उसके जो सबऑर्डिनेट्स उनको देता है। सो ये बहुत ही लॉन्गर चेन है कम्युनिकेशन की। तो अगर बाय चांस हमें बहुत ही फास्ट कम्युनिकेशन करना है, बहुत ही अर्जेंट डिसीशंस है, तो उसके लिए हमें ये कम्युनिकेशन चैनल हमें ब्रेक करना पड़ता है। हमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो ऐसे अर्जेंट सिचुएशन में जब हम ये चैनल ब्रेक करते हैं उसको गैंग प्लान बोलते हैं, और जब ये लेंथी कम्युनिकेशन प्रोसेस चलती है उसको स्केलर चेंज बोलते हैं। सो डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रॉपर परमिशन अथॉरिटीज नेसेसरी। अगर आप ये देखोगे तो ये डायग्राम है अपने पास, ये डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे डायग्राम में, अबाउट डायग्राम में देखो एक चैनल है टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। सो अगर स्केलर चेन वाइज देखा तो ए विल कॉन्टेक्ट टू बी, बी विल कॉन्टेक्ट टू सी, सी विल कॉन्टेक्ट टू डी, बरोबर कि ऐसे कम्युनिकेशन चैनल होगा। सो अबाउट डायग्राम अगर डी को जी को कॉन्टैक्ट करना है, ये डी को पी को कॉन्टैक्ट करना है, तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज उसको लॉन्ग चेन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो करना पड़ता है। बट गैंग प्लान आप देख सकते हो, येल्लो एरो आप चेक कर सकते हो, डी इज डायरेक्टली कॉन्टैक्टिंग टू जी या डी इज डायरेक्टली कॉन्टैक्टिंग टू पी, मतलब उसका मीनिंग क्या हुआ, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन कब होगा, जब हमें अर्जेंट मैटर होगा तो हम ये स्केलर चेन को ब्रेक कर सकते हैं और हम लोग गैंग प्लान मेथड यूज कर सकते हैं। तो अवॉइड द डिले और इमरजेंसी देयर इज अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इट इज टर्म एज फॉर गैंग प्लान। सो नॉर्मली वी आर यूजिंग स्केलर चेन, बट अगर हमारे लिए अर्जेंट मैटर कुछ हुआ तो हम लोग ये गैंग प्लान वाला डायग्राम यूज कर सकते हैं। सो इन अबाउट डायग्राम कम्युनिकेशन बिटवीन डी एंड पी या डी और जी यू फ्लो थ्रू प्रॉपर हायरार्की टू अवॉइड एनी इमरजेंसी सिचुएशन, देयर विल बी डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इट इज टर्म एज व्हाट, गैंग प्लान। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्योल एज अ प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल नंबर 10 इज ऑर्डर। ऑर्डर तो सबको पता है, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग मस्ट बी इन प्रॉपर प्लेस, राइट प्लेस पे काम को लगाना है, सबको काम करवाना है। कोई ऐसे टाइम पास मेथड यूज नहीं होगा कि आइडल मेथड यूज नहीं होगा, जैसे मन होगा वैसे काम करना है। देयर शुड बी सम पंक्चुअलिटी, देयर शुड बी सम रूल्स, रेगुलेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। एवरीवन मस्ट नो व्हाट दे वांट टू डू एंड हाउ मच वर्क दे हैव टू डू रेगुलरली। सो ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं, उनको एक सुपरवाइजर की जरूरत है, एक ऑर्डर की जरूरत है, राइट प्लेस एंड राइट टाइम फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी। ह्यूमन बींग को भी हमें राइट प्लेस पे काम पे लगाना है, और मटेरियल भी उनको अवेलेबल करना है, तो ये ऑर्डरली अचीव होगा। सो ह्यूमन रिसोर्सेज शुड बी प्लेस एट राइट प्लेस एंड राइट जॉब, उनको प्रॉपर जॉब पे प्रॉपर काम पे लगाना है। तो ऑर्डर मतलब क्या होता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ दोनों रिसोर्सेज, फिजिकल मतलब मटेरियल्स एंड मशीन्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज। ऑर्डर इज ऑल्सो एसेंशियल इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, द एवरी एम्प्लॉई मस्ट बी एट राइट प्लेस एंड देयर शुड बी राइट प्लेस एंड राइट जॉब मस्ट बी गिवन टू ऑल द एम्प्लॉयज।
पॉइंट नंबर 11 इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, मैनेजमेंट शुड बी फेयर. इक्विटी मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट शुड बी फेयर, देयर शुड नॉट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एनी वर्कर्स और एनी एम्प्लॉय. जब भी हम लोग कुछ काम डिवाइड करते देयर शुड बी नो पार्शलिटी. व्हेन एवर वी आर गिविंग एनी मॉनिटरी टर्म्स, पैसा देते समय मॉनिटरी रिटर्न रिवॉर्ड्स एंड अर्न, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉय. रेम्यूनरेशन शुड बी डिपेंड अपॉन द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट पे डिपेंड एंड अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ सब ऑर्डिनेट. जैसे वो काम कर रहे उसके बेसिस से उनको रेम्यूनरेशन देना है. द एम्प्लॉय वर्किंग इन सेम लेवल एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट शुड बी पेड सेम वेजेस. जो सेम लेवल पे डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनकी सैलरी या फिर वेजेस जो भी कुछ है उनको इनकम जो होती है वो उनको पार्शलिटी फैक्टर में मत कन्वर्ट करो, वो इक्वली देना. देयर शुड बी प्रॉपर एंड फेयर ट्रीटमेंट टू एवरी एम्प्लॉय रिगार्डिंग द रेम्यूनरेशन. दिस इक्विटी इक्विटी विल बी हेल्प दिस द प्रिंसिपल इक्विटी विल हेल्प टू रिड्यूस द कन्फ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के जो झगड़े हैं रिगार्डिंग द रेम्यूनरेशन सैलरी वो कम हो सकता है अगर ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल किया. नो पार्शलिटी नो डिस्क्रिमिनेशन. जो भी सैलरी एंड रेम्यूनरेशन जो भी कुछ होगा वो हम लोग कौन से बेसिस पे देंगे, अकॉर्डिंग टू द स्किल एंड अकॉर्डिंग टू द वर्किंग लेवल ऑफ द एम्प्लॉइज. पॉइंट नंबर 12 इज प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. मतलब जब हम लोगों एम्प्लॉइज को जॉब पे काम पे लगाते हैं उसके बाद उनको कोई अश्योरेंस दो दैट दे आर सेफ इन अवर इन अवर कंपनी, दे आर सेफ इन अवर ऑर्गेनाइजेशन, अदरवाइज दे विल लूज देयर जॉब बिकॉज दे विल नॉट फील अश्योरेंस. उनको कुछ हमें अश्योरेंस देना है दैट दे आर सेफ, तो उनको कुछ सेंस ऑफ बिलोंगिंग दिखाओ दैट वी आर थिंकिंग अबाउट नॉट ओनली ऑफ आवर कंपनी वी आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट देम सेल्फ. इनसिक्योरिटी होगी अगर जॉब के रिलेटेड तो जॉब छोड़ सकते हैं और वो दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं. तो उनकी इनसिक्योरिटी को निकालने के लिए उनको बेनिफिट दो, उनको उनको अच्छा फैसिलिटी दो, उनको सिक्योरिटी दो दैट दे आर सेफ टू द जॉब अनलेस एंड अंटिल दे विल लीव दे आर सेफ इन टू द जॉब. सो इनसिक्योरिटी इन जॉब उससे क्या क्रिएट होता है, द इनसिक्योरिटी जो ऑलवेज अफेक्ट द इफिशियंसी ऑफ एम्प्लॉय. वो अच्छे से काम नहीं करते अगर वो इनसिक्योर हो गए तो, और उसका इफेक्ट एडवर्सली किस पे होता है, जॉब सिक्योरिटी अगर हम दिया प्रॉपर तो मिनिमाइज होता है एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो. इसलिए जॉब सिक्योरिटी देना है तो एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो कम होता है. अगर आपने उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं दिया, इनसिक्योर हुआ, तो एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो बढ़ता है. भाई एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो बढ़ना नहीं चाहिए. एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो मतलब अपने कंपनी के एम्प्लॉयज अपना जॉब छोड़ के दूसरी कंपनी में जाते हैं. अगर अच्छे अच्छे एम्प्लॉय ऐसी हमारी कंपनी छोड़ के गई या गए तो उससे क्या होगा, हमारी कंपनी को लॉस हो सकता है. इसलिए एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो लेस होना चाहिए, मोर नहीं. जहाँ जॉब सिक्योरिटी है वहाँ पे एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो लेस होता है, मतलब वो हमारी कंपनी में स्टेबल है, हमारी कंपनी का जॉब छोड़ के नहीं जाते, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जॉब छोड़ के नहीं जाते. पॉइंट नंबर 13 इज इनिशिएटिव. इनिशिएटिव मीन्स रिस्पेक्ट द डिसीजन, रिस्पेक्ट द आइडियाज, रिस्पेक्ट टेक द सजेशन आइडियाज फ्रॉम एवरी वन. सबऑर्डिनेट्स को भी वेलकम करो उनके आइडियाज एंड सजेशन देने के लिए. और डिसीजन कौन लेते हैं, सुपीरियर, बट सबऑर्डिनेट मस्ट बी गिवन चांस टू स्पीक एंड एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड आइडिया. सो इन योर इनिशिएटिव मीन्स टू डू वॉलंटियरिंग टू डू द वर्क इन इनोवेटिव वे, फ्रीडम टू थिंक एंड वर्क ऑन न्यू आइडियाज एंड एनकरेज एम्प्लॉयज टू टेक इनिशिएटिव. एम्प्लॉयज को भी चांस दो, वो अपने अपने व्यूज ओपिनियन हमें दे सके कंपनी को फॉर गिविंग और वर्किंग ऑन अ गिवन टास्क. सो यू शुड वेलकम बाय ऑल, सबसे वेलकम करो न्यू आइडियाज एंड सजेशन. ओवरऑल डिसीजन फाइनल हु विल टेक टॉप लेवल, बट मिडल लेवल एंड लोअर लेवल आर ऑलवेज ऑलवेज रिस्पेक्टेड एंड दे आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड आइडिया रिगार्डिंग टू एनी काइंड ऑफ टास्क. सो इट ऐसा अगर हमने उनको रिस्पेक्ट दिया, उनके आइडियाज को वेलकम किया, ऑटोमेटिकली दे विल फील अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट. और इससे हमारा क्लाइमेट कंडीशन कैसे होगा या क्लाइमेट कैसे होगा, ऑर्गेनाइजेशन का हेल्दी, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बहुत ही हेल्दी हो सकता है. इसलिए इनिशिएटिव वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फिश. प्रिंसिपल नंबर 14 इज टीम वर्क, स्पिरिट ऑफ इट मीन्स टीम वर्क. हेनरी फिश ने बोला है कि हेनरी फिश सेज दैट देर मस्ट बी प्रॉपर यूनिटी बिटवीन ऑल द डिपार्टमेंट, एवरी वन मस्ट वर्क इन अ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन. यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ. अगर हम लोग ग्रुप में काम करेंगे तो हमारा कॉमन गोल अच्छी होगा, अगर हम लोग इंडिविजुअली काम करेंगे तो अपना काम अच्छी नहीं होगा. सो यू शुड वर्क इन अ ग्रुप, इज अ ह्यूमन एक्टिविटी. ऑल द रिसोर्सेज मस्ट बी वैल्यूएबल असेट्स, ह्यूमन रिसोर्सेज वैल्यूएबल असेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो भी ह्यूमन बींग एट इज वर्कर एंड एम्प्लॉय हमारे लिए असेट्स है. सो इफ ऑल एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन यूनियन, अगर वो ग्रुप में काम करते हैं ट्रस्टली म्यूचुअली डिस्प्यूट्स कम यूनिटी, उससे क्या हो सकता है हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो गोल है वो अचीव होगा विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड.
एंड टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन. अगर हमें बिजनेस में स्ट्रांग रहना है, कॉम्पिटिशन में टिकना है, अगर हमें कॉम्पिटिटर्स के साथ बिजनेस करना है, तो इसके रिलेटेड हमारी इनसाइड और क्लाइमेटिक कंडीशन, इनसाइड कल्चरल कंडीशन, इनसाइड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट मस्ट बी गुड. देर शुड बी नो डिस्प्यूट अमंग एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉइज एंड वर्कर विद इन द डिपार्टमेंट, विद इन द सेम डिपार्टमेंट और आउटसाइड द डिपार्टमेंट, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट, मतलब हमारे डिपार्टमेंट में भी झगड़े नहीं होने चाहिए और दूसरे और हमारा अपने डिपार्टमेंट वालों के भी झगड़ा कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए और दूसरों डिपार्टमेंट वाले से भी नहीं होना. सभी के बीच में क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी यूनिटी बिटवीन ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट. वी शुड वर्क इन अ टीम. सो लीडर मैनेजर शुड क्रिएट अ स्पिरिट ऑफ टीम वर्क. अगर हम लोग टीम और ग्रुप में काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपना जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, कॉमन ऑब्जेक्टिव, वो अचीव हो सकता है. सो अकॉर्डिंग टू हेनरी फेल्ड, टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. इफ यू आर वर्किंग इन अ ग्रुप यू कैन अचीव अवर गोल वेरी इजिली. अगर हम इंडिविजुअल काम करने बैठे तो हमें कभी अपना गोल अचीव नहीं होगा, बट अगर हमने ग्रुप में काम किया तो हम लोग अच्छे से काम कर सकते हैं, अपना गोल अचीव हो सकता है. सो ऑल दिस पॉइंट्स फॉर द 114 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा. टिल द टाइम स्टडी एंड वर्क हार्ड. थैंक यू.